सुबह के बज रहे हैं 7:30। पता है मुझे बहुत लेट हो गया हूँ मैं, बट रात को सोने में काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी का हमारा आज का प्लान ये है, चाय हमारी हो गई है और अब बस जाके रेडी हो गए हम लोग। आधा घंटा लगेगा रेडी होने में, उसके बाद हम लोग सीधा महाकाल के दर्शन करेंगे और महाकाल के दर्शन के बाद में उसके बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव। और फिर आज ही हम लोग का प्लान है ओमकारेश्वर भी जाने का, जो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है, 3 घंटे की ड्राइव है। तो बस अब लोग हम रेडी होते हैं और महाकालेश्वर होता हूँ मैं, पूजा वूजा स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। तो मैं अभी आपको भी आगे दर्शन करवाता हूँ, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं महाकाल के मंदिर की ओर फिर से। सुबह पंडित जी से बात हो गई है, तो फिर पूजा वूजा करेंगे, अभिषेक वगैरह करेंगे वहाँ पर, उसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी का प्लान यही है, उसके बाद हम लोग काल भैरव मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग ओमकारेश्वर की जगह में बताया था पंडित जी ने हमें बुलाया, गेट नंबर 4 पे वहीं हम जा रहे हैं अभी। मौसम गर्म है यहाँ का, बस थोड़ी रात को ही ठंड होती है, वरना ठंडे नहीं है। तो गेट नंबर 4 पे बुला रहे हैं अभी, वहीं जा रहे हैं आराम से। अच्छा कह रहा आ ली है पंडित, हम थोड़ा लेट हो गए हैं हर बार की तरह, कितना भी कोशिश कर ले निकला नहीं जाता है। तो ये हम लोग आए गेट पे, दिखाता हूँ आपको वो बाल्टी वगैरह में चंदा मृत वगैरह। ये भस्म आरती का वो है, लाइनिंग का क्या बोलते हैं स्पॉट। अच्छा यहाँ सुबह मतलब रात को 12 बजे से यहाँ लाइन लगती है, सुबह जब हम भस्म आरती अटेंड करते हैं ना, हाँ, उसकी लाइन यहाँ से लगती है। ये दरवाज़ा ठीक 5 बजे खुलता है, जो सामने वाला दरवाज़ा ये ठीक 5 बजे खुलता है। 5 बजे के बाद वहाँ 2 तरीके की भस्म आरती होती है, 2 तरीके की टिकट होती है, एक मंदी एक नॉर्मल महाकालेश्वर। हाँ नंदी वाली मिलती है मैम गर्भजून के सामने बैठने का मौका, और जो महाकालेश्वर की होती है वो ऊपर वाले स्टैंड पर बैठने का मौका। तो जैसे कि अभी राज जी ने बताया डिटेल में कि 2 तरीके की आरती होती है, तो भस्म आरती अभी टिकट वाला नहीं है, तो रात में भी लोगों के लिए बंद है ना भस्म आरती। हाँ अभी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी भाई, मार्च से स्टार्ट होगी, बाकी रात में भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि भस्म आरती का है ये। सारी तैयारी हो गई है पूजा की और बस हम लोग जा रहे हैं अब, अलग ही शांति अलग ही मजा है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल के दीवानों की बात ही अलग है भाई, ये हम जैसे आ गए, हमें लंबा रास्ता है मगर खाली है, कोई भीड़ नहीं है इस समय लोगों की। आपको कुंडे दिखाता हूँ मैं नीचे, तो ये कुंड है नीचे यहाँ पे। ये किस लिए रात भाई? ये इसमें क्या करते हैं? इसमें पहले स्नान हुआ करते थे। अच्छा तो स्नान कौन सा वाला स्नान होता है यहाँ पे? जो महाकाल के दर्शन से पहले अब छींटे मार लिया करते हैं, जो यहाँ जो आगे जो टैंकी है ना वो इसी कुंड से निकाल करते हैं। अच्छा ये जो नंदी महाराज जी बैठे हैं हमारे, ये मतलब नज़ारा एकदम मस्त है, तो यहाँ पे स्नान करते हैं। स्नान वगैरह बंद है मेरे ख्याल से, नहीं वो काफ़ी टाइम से अब लोग बस यहाँ से जल लेते हैं, ये शुद्ध जल माना है, तो अभी ये शुद्ध जल माना जाता है यहाँ फिर यहाँ का, तो जल ले सकते हैं। स्नान वगैरह भी नहीं है यहाँ पे अलावा, जल वहाँ उन्होंने टोंटी में डाल रखा है, वहीं उन्होंने बाल्टी तो वहीं अर्पित होता है जल। अच्छा तो वेटिंग हॉल है यहाँ का, ये हमारे पंडित जी हैं।
चलते आगे और चले ओके। अच्छा हमारे पंडित जी अलग है। तो मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ यहाँ का, ऊपर का एकदम मस्त का रखा है। तो एक ये द्वार भी है, पतन किसी का द्वार है, काफी अच्छा है। ये महादेव है, एक मस्त व्यू आ रहा है, व्यू एकदम जबरदस्त आ रहा है। तो अभी यहाँ से आगे मंदिर गर्भगृह में मंदिर में फ़ोन लेना अलाउ नहीं है, तो बस से वीडियो में यहीं से शूट करता हूँ। अगर मौका मिला तो अंदर मैं शूट करूँगा, वरना फिर आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ दोबारा। जय श्री महाकाल। भाई आ गए हैं दर्शन का टाइम। तो ये हैं हमारे नंदी महाराज जी, जो हमेशा महादेव के आगे आपको बैठे हुए मिलेंगे एकदम। बस आपको मैं दर्शन करवाता हूँ अंदर महादेव के साक्षात। और ये है हमारे सामने इस समय महाकाल। शब्द नहीं है बोलने को, सब कुछ भूल चुका हूँ मैं इस समय, बस देखता रहने का मन है। और आप भी दर्शन करिए कुछ सेकंड के लिए मौन होके एकदम। दक्षिण दिशा में क्या काल है कालों के काल महाकाल है। दक्षिण दिशा में क्या काल आम का राक्षस था भोलेनाथ ने उसको भस्म करा था। इसे 12 बजे से 6 बजे तक भगवान को भस्म आरती होती है। 6 बजे के बाद भगवान को जल चढ़ना शुरू होता है। फिर अलग अलग आरती के समय पे जैसे 7 बजे आरती होती है, 10-10:30 बजे भोग आरती होती है। उसमें भोग की आरती के समय भी वो कलश जो भगवान की मस्तिष्क पे लगा रहता है वो हटाया जाता है। फिर उसके बाद आरती के बाद वापस से रख जाता है। तो सुबह 6 बजे से लेके तो शाम को 5 बजे तक भगवान को उसे जल दूध फूल बिलपत्र माला प्रसाद पंचामृत चढ़ता रहता है। तो शाम को 5 बजे के बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है, उसके बाद भगवान का श्रृंगार हो जाता है। जय जय श्री महाकाल। तो पूजा हमारी हो गई है फाइनली, और अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव। पूजा करके अलग ही शांति, एकदम मज़ा आया। जैसे कि हमने देखा भी, पंडित जी ने थोड़ा बहुत बताया भी मंदिर के बारे में, क्या है क्या मान्यता है मंदिर की, और काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको। किसी को पंडित जी का नंबर चाहिए हो पूजा के लिए, वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, मैं शेयर कर दूँगा, ताकि आप जब यहाँ पर अपना प्लान करें तो पूजा वगैरह करवा सकते हैं। अभी मैं बाहर चलता हूँ, आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये है बाहर का नज़ारा। ये ओमकारेश्वर मंदिर, सुबह सुबह दर्शन कर लीजिए। तू चुप कर ली, मैं तेरे लगा भाई महाकाल के दर्शन। हाँ मतलब और भी जगह काम आ जाएगी ना, और 500 भी बुलवाए ना इधर।
डाल देगा लो जी। तीनों के डाल दे, चार में तीन, चार अपने भी लेंगे, चार ले लेना, चार चार लेते हैं। हाँ, चार चार दे दो, तो घर हम होटल में जाके बांध लेंगे ना। 120 रुपए डाल दो, हाँ आपस में बांध लेंगे हम तो, यहाँ भी बांधने बंद चलते हैं। 120 100 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 डाल दो ना, एक खास हो सारे के साथ। तो ये सिद्धि विनायक मंदिर है, यहाँ से आप कलावा खरीद सकते हैं घर वालों के लिए और अपने लिए बांधने के लिए, आपको मिल जाएगा। ये मतलब मंदिर की बनावट देखिए आप, एकदम जबरदस्त। कलावा हमने ले लिया है तो ये हाथ में बांधने के लिए टीका हमने लगा लिया है और महादेव के रंग में रंग चुके हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। एक बार राज भाई को भी दिखाता हूँ मैं अपने टीका लगा कैसे लग रहे हैं। जय श्री महाकाल। अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव, क्योंकि तो महाकाल के उनके दर्शन जरूरी है। तो करीब कितनी दूर है राज भाई यहाँ से? 10 किलोमीटर। तो कभी 10 किलोमीटर की दूरी है, तो सजेशन यही है कि आप लोग वहाँ पे ऑटो करके जाए, क्योंकि रोड बहुत कंजस्टेड है, फ़ायदा नहीं है अपनी गाड़ी ले जाने का। अभी वहाँ जाते हैं हम, और जैसे ही मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे तो आपको दर्शन कर पाऊँगा उसके भी। तो अभी बस हमारा सबसे पहला काम है कि बाहर जाके ऑटो बुक करना, वो भी एक टास्क है यहाँ पर। बस हम जा रहे हैं अभी, तो मैं आपको जाते जाते व्यू दिखाता हूँ थोड़े से। तो अपन निकल गए हैं हम काल भैरव, भोलेनाथ की कृपा से महाकाल के दर्शन हो गए हैं अभी, और अब है काल भैरव का नंबर। उसके बाद हम लोग निकलेंगे ओमकालेश्वर। हालांकि फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी एकदम बहुत ज़्यादा है, ऑटो में आवाज़ डिस्टर्ब होगी तो उसमें मैं वीडियो भी स्टॉप करता हूँ। फिर अभी आपको आगे दिखाता हूँ काल भैरव का दर्शन। हर हर महादेव। भैरव बाबा के मंदिर में एक अलग एक अनोखी चीज़ होती है, बहुतों को पता होगा उसके बारे में, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो उनको प्रसाद के रूप में दारू चढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल, उनको दारू चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में, तो हम भी चढ़ाने वाले हैं उनको। जैसे मैं आप पहुँचता हूँ वहाँ पर, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और उनके दर्शन भी करवाता हूँ। अब यहाँ से प्रसाद लेते हैं, प्रसाद का दिखाता हूँ मैं आपको। काउंटर ठीक है, 100 रुपये का है। और ये प्रसाद अब यहाँ से ले, दारू कौन सी लेनी है? दारू मैकडोनल्ड उठा लो या ओल्ड ग्राम पिलाएगा क्या? उठा लो। हाँ तो ठीक है ना, सर्दी जुकाम नहीं है। हम लेनी है तो चूल आएगा वहीं से उड़ता हुआ अभी। तीन का क्या करना है? एक ही चढ़ा दारू एक ले लो, प्रसाद अपना ले लो, अपना नाम गोत्र चढ़ जाएगा दारू में। हमारा प्रसाद भी एक ही कर दो।
200 रुपए की है। भैरव बाबा का पिलाएंगे हम मैकडोनल्ड की रम लोग काल भैरव का चले बाबा के करते हैं दर्शन। फोटो नहीं खिंचवाना भाई, बाबा के दर्शन करने हैं बस। ये है काल भैरव का मंदिर। मोबाइल अलाउ नहीं है और फिर भी कोशिश करता हूँ मैं जितना हो सके उतने आपको दर्शन करवा दूं। अरे अरे एक सेल्फी ले ले। ये हम जा रहे हैं अभी अंदर काल भैरव के मंदिर, फिर देखते हैं सवारी। बस हम लोग अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो डिस्टर्ब होगी उसके लिए सॉरी, मगर आपको दर्शन करवाने की कोशिश जरूर करता हूँ क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, मगर दर्शन आपको फिर मैं करवाऊंगा काल भैरव के। जय हो काल भैरव बाबा की। तो ये करिए काल भैरव बाबा के दर्शन। तो यहाँ पे काल भैरव के पास में एक जगह है, यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं बहुत सारे, मतलब एकदम मस्त टेक्सचर है इसका। तो शाम को जलाए जाते हैं यहाँ पे, बाकी व्यू देखो आप, नज़ारा एकदम मस्त है। और ये है मंदिर काल भैरव का, मस्त। तो दर्शन हमारे हो गए हैं फाइनली, अब हम लोग होटल जा रहे हैं और होटल पे थोड़े से बस जूते वूते पहन के सीधा हम लोग निकलेंगे ओमकारेश्वर की ओर। तो बस ऑटो हमारा कहाँ है, अपना ऑटो ढूंढना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है अभी। मज़ा आया यहाँ पे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया भैरव बाबा को, बाकी करके ले लिया है। तो भीड़ इस समय ठीक है, मतलब 10-15 मिनट लगे दर्शन करने में, अभी जैसे जैसे कोविड का और ख़त्म होगा तो भीड़ काफ़ी बढ़ती रहेगी यहाँ पे। कैसा रहा दर्शन अमन? एकदम बढ़िया रहा, एकदम मज़ा आया सब। अब देखते हैं आगे की वीडियो, जब भी महाकाल के दर्शन करो तो भैरव के दर्शन जरूर करने ही करने हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं होटल, तो मैं आपको भी मिलता हूँ फिर जैसे हम लोग होटल पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं होटल, अपनी गाड़ी पिक करनी है और फिर भी निकलते हैं हम लोग ओमकारेश्वर की ओर। चले तो बस 10 मिनट हम लोग निकलेंगे अभी, तो जूते वूते पहने ओमकारेश्वर के, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे रास्ते के अंदर ही, तो मैं आपको ब्रेकफास्ट में अभी मिलता हूँ। तो फाइनली रूम में हम लोग आ गए हैं, 15 मिनट में हम लोग निकल रहे हैं ओमकारेश्वर। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था तो आज का हमारा ओमकारेश्वर का भी है, जो यहाँ से 150 किलोमीटर है एग्जैक्टली, और जो पहुँचने में 3.5-4 घंटे लग जाएंगे। बीच में लंच भी करना है हमें और चाय तो चाहिए ही चाहिए, तो करीब 4.5-5 घंटे मान लो पहुंचने में लग जाएंगे हम। तो मगर आज सेम डे ही हम लोग वापसी आ जाएंगे। बाकी ये वीडियो मैं अपनी यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जिन जिन्हें अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो ट्रिप से रिलेटेड, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसकी सहायता करूँगा। बस अभी के लिए ये वीडियो अपनी यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करवाता हूँ, वहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।